संस्थाप्य कलिना बीतो बर्बरीकम मथा अब्रवीत। मंत्र की संख्या पूरी हो गई, देवी मां की कृपा होने जा रही थी, तब विजय ने बर्बरीक को कहा, ए बर्बरीक, शुचि चिंद्र संतिष्ट स्तवम देव्या समुद्गिरन। हे बर्बरीक, मां आशीर्वाद दे, प्रकट हो जाए, इससे पहले महाविद्या मंत्र का उच्चारण करो। अब ये फाइनल आइटम मैंने जो बताई थी ना कि मैं बताने वाला हूं, वो यही है कि महाविद्या है, कि महाविद्या का मंत्र है। इस महाविद्या का मंत्र का उच्चारण करने का फल क्या है वो मैं बाद में बताता हूं। हरि ओम हना हना काली सर गौरीधम विद्ये आले ताले माले गंधे बंदे पच विद्ये नाशय पापम हनह दुस्वप्नम विनाशय कष्टनाशिनी रजनी संध्ये दुंदुबिनादे मानसवेगे शंकिनी चक्रिणी वज्रिणी शूलिनी अपमृत्यु विनाशिनी विश्वेश्वरी द्रवीडी द्राविडी केशवदयिते पशुपति महेते दुर्मदमीने शर्वरी किराती मातंगी। ओम ह्रम 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 क्राम क्रेम 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 त्वर त्वर ये माम द्विशन्ति प्रत्यक्षम परोक्ष वा सर्वांदम सर्वांदम मर्द मर्द तापय तापय पातय पातय शोषय शोषय उत्सादय उत्सादय ब्रह्माणि महेश्वरी वाराही विनायकी ऐन्द्री अग्नेयी चामुंडे वारिणी प्रचंड विद्योते इंद्रोपेन्द्रो भगिनी विजेशे शांति स्तव स्त्री पुष्टि विवर्धनी कामांकुशे कामदूधे सर्व काम वरप्रदे सर्वभूतेषु वासिनी प्रतिविद्यां कुरु कुरु आकर्षिणी वेशिनी ज्वालामालिनी रमणी रमणी धरणी धारिणी मानोन्मानिनी रक्ष रक्ष वायव्ये ज्वालामालिनी तापिनी शोषिणी नीलपताकिनी महागौरी महाशये महामयूरी आदित्यश्मी जाह्नवी यमघंटे कीणी कीणी चिंतामणि सुरभि सुरोत्पने कामदूधे यथा मनीषीतम कार्यम तन्मम सिद्यतु स्वाहा। ओम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा। यत्रैवागतम पापम तत्रैव प्रतिगच्छतु स्वाहा। ओम बले महाबले असिद्ध साधिनी स्वाहा। इति माम साधयामास वैष्णवीम अपराजिताम अपराजिताम। ये अभी मंत्र का मैंने जो उच्चारण किया, माना थोड़ा लंबा है, लेकिन ये अपराजित मंत्र है जो बर्बरीक ने मिला था। और इस मंत्र का कोई भी जाप करे, अब देखो आप 5 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, 51 कर सकते हो, 108 बार कर सकते हो। कोई मेरे हिसाब से नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, आपके हृदय शुद्ध होना चाहिए।
तो इससे क्या नहीं होगा ये मुझे बताओ। घर के बाहर जाओ, कोई उद्देश्य लेके गए हो आप, खाली हाथ वापस नहीं आओगे, आपको कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि इसका नाम है पराजित विद्या जो बर्बरिक को मिली थी। और कृष्ण भगवान को यह पता है कि यह क्या लेकर आया था, वैसे वैसे नहीं मारा था उसको, यह पराजित विद्या लेकर आया था। तीन वरदान देवी देवताओं से, जिनको आप तीन बाण कहते हो, बाण नहीं था, तीन वरदान, ऊपर से यह अपराजित विद्या आज उसको मिली, शक्ति से, चंडिका से, वाराही से, पार्वती से, चामुंडा से, अंबिका से, 64 जोगणियों का स्वरूप एक साथ में उनको यह अपराजित विद्या उसको दी है, उसको कोई जीत नहीं सकता। बाकी हां, साथ साथ में यह भी बताया गया है कि अपराध आपने किया हो तो इसमें से भी छुटकारा मिल जाए। एक तो यह मुझे नहीं मिल रहा था कि पाप करें और छुटकारा कैसे हो, तो इस अपराजित विद्या का मंत्र करो तो पाप से मुक्त हो जाओगे। मैं आपको नोटेशन देता हूं, मुझे मत आकर पूछना कि यह मंत्र दो, स्कंद पुराण, माहेश्वर खंड, कौमारिका खंड, अध्याय नंबर 62 और श्लोक नंबर 60। आप स्वयं इसको प्राप्त कर सकते हो, स्कंद पुराण में चले जाओ और वहां से यह मंत्र मिल जाए, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। यह अपराजित विद्या का उच्चारण और भी शुद्ध करना हो भाई, पवित्र होकर, आज पूरा दिन ये हमारी यही चला, पहले स्नान किया था, अंदर से बाहर से वो पवित्र हुआ है, तंत्र उपासना उसने करी, मृग चर्म पहना है, हर तरीके से पवित्र है, फिर जाकर मां की उपासना करी है, यज्ञ यागादि किया, उसने आहुत दी है, और आज ये मंत्र मां से जो मिला वो उसने बर्बरीक को दिया और कहा कि बर्बरीक इस विद्या को तुम लेकर जाओ, तुम्हें कोई जीत ही नहीं सकता, 14 ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो तुम्हें जीत सकता है।